परी साहब, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मैंने आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने एक लेटर ना लिख दिया हो कि भैया पत्रकार इस हद तक सुरक्षित है कि उसे ऐसी अनुभूति होती है कि जेट सिक्योरिटी तो उसे दरअसल मिली हुई है, दिख नहीं रही है, लेकिन सुरक्षित नहीं होते पत्रकार। तो ये भी एक विषय होना चाहिए, क्यों हम पत्रकार जो हैं हर चीज़ को दिखाते रहें, आवाज़ उठाते रहें, मुद्दों पर बात करते रहें, लेकिन हमारे जो लोग दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं सड़क सड़क गांव गांव, अब आज ही की बात बता रहा हूं, कुंडा में एक घटना हुई है, प्रतापगढ़ के कुंडा में, जहां पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है उन पर हमला हुआ है और उनके लोग जो है काफी वहां पर लोग जो है उनकी बाइट भी आई है कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अब कोई बोलने को तैयार नहीं, मतलब आप ये देखिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को फोन किया कि भैया आके बैठ के इस पर बोल दो कि क्या है घटना, तो कह रहे नहीं भैया बता देंगे, फोन पे बता देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। और वहीं हमारा रिपोर्टर खड़े होकर पूरी बात बता रहा है हमको। तो लड़ाई तो दरअसल हम सब लड़ रहे हैं, हमारे जो हम बहुत आभारी हूँ फरीद साहब और इनकी टीम का, और आप जितने भी हमारे संवाददाता जो जमीन पर है, चुनाव है इसमें जितनी सहभागिता जो ग्राउंड पर रिपोर्टर है जितनी करते हैं इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी इच्छा थी, जैसे राजा भैया कह रहे थे कि बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत बर्दाश्त कर लिए, लेकिन कहना था तो कहेंगे आज, तो ऐसे ही मेरे मन में भी ये इच्छा थी तो आज कही थी। तो बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है, फरीद साहब आप ही पर आ रहा हूँ, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है कि अगर सवाल पूछ दिया और सवाल अगर नहीं लगा कि जवाब दे पाएंगे तो सीधा आरोपी लगा लो, कोई भी हो किसी भी पार्टी का हो, सीधा आरोपी लगा दो कि भैया आपने तो इतना इतना पैसा ले लिया है। अब पैसा ले लिया है, अब जिस पत्रकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले लिया है, उस पत्रकार के पास मोटरसाइकिल से गाड़ी आई कि नहीं आई ये तक नहीं पूछा किसी ने आज तक, ठीक है तो बस पैसा ले लिया है। लेकिन जैसा कि ये बात बिल्कुल सच है कि आज अगर सही से वोटिंग हो पाती है तो मीडिया जो मजबूत हुआ है इसका बहुत बड़ा योगदान है, अहम योगदान है इस सब, और ये लोकतंत्र को भी मजबूत कर रहा है। फरीद साहब, स्टूडियो से इतना बड़ा सवाल उठाया आज आपने, तबीयत कुछ हो गई हमारी भी और हमारे जैसे तमाम पत्रकार साथी जो फील्ड में काम करते हैं, और जय दीक्षित साहब आपका विशेष शुक्रिया, जैसे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं आप जैसे लोग, अच्छा लगता है हमको सुन करके कि वाकई हम किस परेशानियों से किन दुश्वारियों से गुजरते हैं और हम आम जन तक अपनी खबरें पहुँचाते हैं। चलिए तो कोई दर्द समझेगा, कोई नहीं समझता है, ये तो बात एक हो गई। दूसरी बात ये कि वाकई में पत्रकारिता का जो तेवर और कलेवर है थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी हमारे सीनियर ने बताया इस बात को, उस बदलाव की एक वजह भी है कि प्रेशर बहुत बिल्डअप रहता है फील्ड में, खासतौर से बहुत प्रेशर बिल्डअप रहता है हम जैसे पत्रकारों को जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं और जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं जिनके पास स्क्रिप्टिंग और तमाम चीज़ें आती, प्रेशर बहुत रहता है। और ये जो विधानसभा चुनाव इसकी निष्पक्षता बिल्कुल हमारे जैसे ग्राउंड लेवल पर बैठे और हमारे सीनियर स्टूडियो में बैठ करके निष्पक्ष बातों पर आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं।